हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट करना आप लोगों से। मैंने अपने चैनल पे गिव अवे रखा है 1000 रुपीज़ का, और वो 1000 रुपीज़ वही सब्सक्राइबर जीत सकता है जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे हर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को पसंद करिए, और जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा मैं एक लकी ड्रॉ निकालूंगी जिसमें कि वो सब्सक्राइबर चुनाएगा जो कि मेरे सबसे ज़्यादा वीडियोस को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करेगा। फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई चैनल एक बार फिर से रिव्यू, और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसके थ्रू आप जानेंगे कि आप अपने सैमसंग 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रीज़र को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप सब इस वीडियो से जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें अच्छे से। तो आपको यहाँ पर ये पैनल नज़र आ रहा होगा, और इस पैनल को आपको बहुत ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा फ्रीज़र है, और जो ये नीचे का हिस्सा है ये हमारा फ्रिज है। यहाँ पर जो सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं ये टेम्परेचर हमारे फ्रीज़र का है। यहाँ से आप फ्रीज़र के टेम्परेचर को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आपको शो करेगा, और फ्रिज के टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने का यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी जो मेरा टेम्परेचर सेट किया हुआ है फ्रीज़र का है -19 डिग्री सेल्सियस और फ्रिज का है 3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को घटाना है फ्रीज़र के और फ्रिज के, तो हम लोग कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे में देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रीज़र, फ्रीज़र टू फ्रिज और फ्रिज। तो फ्रीज़र के टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करेंगे और फ्रिज के टेम्परेचर को हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, बस इधर ध्यान दीजिए और इधर ध्यान दीजिए। तो फ्रीज़र के टेम्परेचर को ज़्यादा करने के लिए हम लोग इसको यहाँ से टैप करेंगे, बस सिंपल सा टैप करना है आपको, ऐसे 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 इस तरह से, और ये टेम्परेचर घटेगा और बढ़ेगा। तो हमको फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ाना है, अभी 19 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको अब हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए ये हो गया 21 डिग्री सेल्सियस पे, 23 डिग्री सेल्सियस, -23, और हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये -15 पर चला जाएगा, फिर चलाया -17, फिर प्रेस करेंगे तो फिर से ये -19 डिग्री पर आ गया, जो कि मैंने -19 डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट किया हुआ था। तो इस तरह से हम फ्रीज़र के टेम्परेचर को सेट करते हैं। अगर बहुत गर्मी है और बहुत सारा सामान आप फ्रिज में रखना है, कूलिंग ज़्यादा चाहते हैं, तो आप समर के टाइम -23 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस समर के लिए है, -19 डिग्री सेल्सियस मानसून सीज़न यानी कि रेनी सीज़न, और -15 डिग्री सेल्सियस है ये है समर सीज़न के लिए। और ये जो वेदर के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर सेट करना है, या फिर आपके जो फ्रिज के अंदर सामान रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका टेम्परेचर सेट करके रखना है। तो सेट कैसे होता है, टेम्परेचर ज़्यादा घटाना तो आप समझ गए होंगे, इधर से हल्का हल्का प्रेस करके ये हो जाता है। उसी तरह से फ्रिज के भी टेम्परेचर को आपको घटाना और बढ़ाना है तो ये इधर से होता है, अभी 3 डिग्री सेल्सियस पे हमको इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, इसको हल्का सा टैप करेंगे, 2 पे गया, फिर टैप करेंगे 1 पे गया, फिर टैप करेंगे 7, 5, 3 जहाँ तक था वहाँ पर आ गया, हल्का सा टैप करना और ये हो जाता है। तो यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री 3, 4, 3, 5 और 7, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो विंटर में आप समर में आप इसको कर सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, रेनी सीज़न मानसून सीज़न हुआ तो 3 डिग्री सेल्सियस, और 7 डिग्री सेल्सियस विंटर के लिए कहा जाता है। या फिर आपको जैसा आपको टेम्परेचर, आप ज़्यादा चाहते हैं कूलिंग या कम चाहते हैं कूलिंग, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, अपने जो फूड अंदर रखे हुए हैं उसके हिसाब से आप अप डाउन करके टेम्परेचर को सेट कर लें। तो आपको टेम्परेचर सेट करना आ गया होगा इधर से फ्रीज़र का और इधर से फ्रिज का। और अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन देख रहे होंगे, फ्रीज़र के नीचे पावर फ्रीज और फ्रिज के नीचे पावर कूल। अगर आपका जो फ्रीज़र है उसको आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा और ठंडा करना चाहते हो,
कुछ ऐसा सामान रख दिए हो जो कि बाहर से अभी तुरंत लाए हो और वो गर्म है और वो उसका ख़राब होने का डर है, तो आप अपने फ्रीज़र को तुरंत से पावर फ्रीज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। अभी मैंने -19 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़र को सेट किया हुआ है। आप 21 पे रखो, 23 पे रखो, 17, 15 किसी पर भी टेम्परेचर पे रखो, आप अपने फ्रीज़र को पावर फ्रीज कर सकते हो। तो पावर फ्रीज करने के लिए आपको पावर फ्रीज का ये जो बटन है इसको 3 सेकंड के लिए दबाना होगा। पहले तो सिर्फ हम लोग सिर्फ टैप कर रहे थे और टेम्परेचर अप डाउन हो रहा था, लेकिन इसको पावर फ्रीज करने के लिए आपको इसको 3 सेकंड के लिए दबाना होगा। तो मैं दाब रही हूँ, देखिए यहाँ पे सिंबल ऑन हो गया है और ये सिंबल है पावर फ्रीज का। जो मेरा फ्रीज़र है अभी बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा, पावर फ्रीज करेगा, और इसको बंद करना है तो इसी को फिर से आपको 3 सेकंड दबाना होगा। मैं दबा रही हूँ तो ये पावर फ्रीज ऑफ हो गया। उसी तरह से पावर कूल हमको फ्रिज को करना है, किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हैं। अभी मैंने 3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज को किया हुआ है। आप जिस किसी भी टेम्परेचर पे रख रहे हो आप पावर कूल कर सकते हो, और करने के लिए वही प्रोसीजर है, 3 सेकंड के लिए आप इसको दबाइए। यहाँ पे ये सिंबल शो कर रहा है और ये सिंबल है पावर कूल का सिंबल, और मेरा जो फ्रिज है वो पावर कूल होने लगा है। और अभी मैंने 3 डिग्री सेल्सियस पे इसको फ्रिज को सेट किया हुआ है, तो 3 डिग्री सेल्सियस पे ये पावर कूल कर रहा है। 1 पे रखिएगा तो भी 1 पे भी पावर कूल करेगा, और इसको ऑफ करना है तो आपको 3 सेकंड के लिए पावर कूल को दाबना होगा। मैं दाब रही हूँ तो ये हो गया पावर कूल ऑफ। तो आप समझ गए होंगे, अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब आओ इस ऑप्शन पर। फ्रीज़र कन्वर्ट हो जाता है फ्रिज में, फ्रीज़र जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रिज में। ये जो पूरा फ्रिज है दो भाग में बटा हुआ है, ऊपर फ्रीज़र और नीचे फ्रिज, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है कि आप पूरे फ्रिज को फ्रिज ही बना लो, यानी कि अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसको 3 सेकंड के लिए दाबना होगा और ये मेरा बड़ा सा जो फ्रीज़र है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रिज में। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, 3 सेकंड दाबने के बाद जो मेरा फ्रीज़र जो है, ये फ्रीजर जो है ऊपर का हिस्सा, अब इसमें आइस नहीं जमेगा और ये जो है कन्वर्ट हो गया है फ्रिज में। मेरा फ्रिज जो पहले से 3 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये फ्रीज़र भी कन्वर्ट हो गया है 3 डिग्री सेल्सियस में, और अंदर का सामान कोई भी जमेगा नहीं। जितनी ठंडक फ्रिज में होती है उतनी ही ठंडक अब फ्रीज़र में भी रहेगी, और ये मेरा पूरा जो है हिस्सा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक का ये पूरा फ्रिज बन गया है, पूरा का पूरा फ्रिज बन गया है। तब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक और बता दूं कि अगर आपको फ्रीज़र को फिर से फ्रीज़र ही बनाना है तो वही ऑप्शन है, 3 सेकंड के लिए दाबिए। 3 सेकंड दाबने के बाद जो मेरा फ्रीज़र है वो फिर से -19 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, और मेरा फ्रीज़र जो है वो फिर से -19 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग करेगा, और फ्रिज जो है वो फ्रिज हो गया और फ्रीज़र जो है वो फ्रीज़र हो गया। तो इस तरह से इसका सारा चक्कर है, आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। समझ गए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।